क्या है सिंधु नदी है। तो सबसे पहले सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है कहां से? तो देखिए सिंधु नदी की जो उत्पत्ति होती है वो आपको हिमालय पार से होती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भारत में बहने वाली जो कुछ प्रमुख नदी है जो आपको हिमालय पार की नदियां कौन कौन है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको एक सिंधु है, क्या है सिंधु है, यह नदी जो है आपको हिमालय पार की है, ठीक है। सिंधु के अलावे आपको ब्रह्मपुत्र, क्या है ब्रह्मपुत्र, यह भी आपको हिमालय पार से निकलती है। और एक आपको सतलुज है, क्या है सतलुज नदी, यह भी आपको हिमालय पार से निकलती है। तो देखिए तो कभी कभी आपके जनरल प्रोफेशन के एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि भारत में बहने वाली वह प्रमुख नदियां जो आपको हिमालय पार से निकलती है। जैसे ये देखिए सिंधु हो गया, क्या हो गया सिंधु हो गया, सतलुज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब जो है आपको कहाँ से निकलती है जाते हैं आपको हिमालय पार से आता है। इसलिए जो मानसरोवर झील है वहां से आपको सिंधु और को निकलता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है। जब भी मानसरोवर झील से थोड़ा सा और हट के ये झील है राजस्थान झील, कौन सा झील है राजस्थान झील, तो वहां से सब कुछ निकलती है, ठीक है ना। तो देखिए तो कई सारे देशों में नदी जो है आपको कैसा संसाधन है, तो आपको एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, यह आपको चाइना में भी बहती है, ठीक है। इसके अलावा आपको भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। तो कोई एक देश जाएगा कि इस पर पूरा नियंत्रण करे तो आपको अंतरराष्ट्रीय कानून का क्या होगा, उल्लंघन होगा, क्या होगा उल्लंघन होगा। तो सिंधु भी जो है, ठीक है ना, इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो आपको पाकिस्तान में बहती है। तो आपको ये कि सर जी इसको हम क्या करते हैं कि जब जब हमें क्या होगा कि पाकिस्तान से युद्ध होती है, जैसे 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, अभी हाल फिलहाल देखिएगा कि पूरी हमला जो हुआ था 2016 में, ठीक है। इसके अलावा आपको पुलवामा हमला हुआ था, लोगों की मांग थी कि भारत को सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था उसको तोड़ देना चाहिए, लेकिन भारत चाह कर भी नहीं तोड़ सकता, क्या जानते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो मध्यस्थता किया था वो कौन किया था, वर्ल्ड बैंक। अगर कोई विदेशी संधि को अगर तोड़ने का प्रयास करता है तो वर्ल्ड बैंक उसको क्या कर देगा कि जो सहायता होती है वो बंद कर देगा, क्या होगा बंद कर देगा। वह देश जो है आपको अपना तब आर्थिक विकास ऐसे चीजों में नहीं कर सकता है, क्या हो सकता है नहीं कर सकता है। तो आइए इसी को हम लोग समझेंगे कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है। तो सिंधु नदी जल समझौता को समझने के लिए सबसे पहले आपको सिंधु प्रणाली की नदियों को समझना होगा। तो सिंधु प्रणाली की नदी में जैसे आपको झेलम हो गया, क्या हो गया झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये सब सिंधु प्रणाली की नदी है। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 19 सितंबर, देखिए कितना सितंबर, 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ था कि कराची में, क्या हुआ था कराची में, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। और इस समझौते पे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपको पाकिस्तान के जो आपको राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, इन दोनों ने क्या किए थे हस्ताक्षर किए थे, क्या किए थे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। तो इस समझौते के द्वारा क्या हुआ था कि आपको रावी ब्यास सतलुज ये जो है आपको पूर्वी नदियां, क्या है ये सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियां हैं। तो इसे भारत के नियंत्रण में क्या कर दिया गया, दे दिया गया। और भारत को कहा गया कि बदले में आप क्या करें कि सिंधु झेलम और चिनाब जो इसको पाकिस्तान में बहने दे, क्या करें पाकिस्तान में बहने दे। तो देखिये आज भी सिंधु नदी का जितना जल है उसका केवल 20% हिस्सा ही जो है वो आपको कौन यूज करता है, आपको भारत यूज करता है, कौन करता है भारत यूज करता। और यह सभी तत्कालीन कहा हुआ था इस स्थान पर, आपको कराची हुआ था। कराची क्या था पाकिस्तान की राजधानी है, वो आपको तीन बार बदला, कितनी बार बदला तीन बार बदला। जैसे कि आजादी के बाद उसकी राजधानी जो थी वो आपको कराची बना, कहाँ बना कराची बना। अब उसके बाद यह राजधानी जो था 1959 के बाद, ठीक है ना, वो आपको सियालकोट चला गया, कहाँ चला गया सियालकोट, आ जाते हैं सियालकोट जो आज भी खेल समाधि बनाने के लिए क्या है प्रसिद्ध है। और सियालकोट के बाद फिर इस्लामाबाद आया, तो आज पाकिस्तान की राजधानी क्या है उसने क्या माना था आपको, लाहौर माना था, क्या माना था लाहौर माना था, सॉरी लाहौर कहते सियालकोट माना था, यानी कि सबको पता था कि लाहौर बड़का शहर है वहाँ का, ठीक है ना, तो राजधानी रहोगे क्या होगा, ठीक है ना। केबीसी वाला अगर आपको मतलब पैसा देगा तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी, आपको कराची, कराची के बाद कहाँ आया था तो आपको सियालकोट, कहाँ आया था सियालकोट, सियालकोट के बाद जो आया था वो आपको कहाँ आया था इस्लामाबाद, कहाँ है इस्लामाबाद। आज भी पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है आपको इस्लामाबाद ही है, कहाँ है इस्लामाबाद ही है, ठीक है ना। और इस्लामाबाद
भोग क्या होता है, उसकी राजधानी का दर्जा आज भी प्राप्त है क्या, प्राप्त है अर्थात पाकिस्तान के जो भी प्रशासनिक चीज है वो उसे कहाँ से संभाला जाता है, इस्लामाबाद से जैसे हमारे भारत में कहाँ से संभाला जाता है बताइए, जैसे भारत की क्या है कई सारी राजधानियां क्या राजधानी, जैसे आपको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया अगर बात करते हैं तो मुंबई हो जाता है ठीक है, प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं तो आपको नई दिल्ली हो जाता है, नई दिल्ली से पहले कहाँ था आपको कोलकाता, क्या था कोलकाता, से आपको सिंधु नदी जल समझौता के बारे में जो कुछ भी ब्रीफ किए हैं उसको आपको आसानी से क्या करना है समझ गए, और इससे आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ट्वेल्थ का अगर आप परीक्षार्थी है तो उसमें क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस पर लेख लिखना रह सकता है ठीक है ना, कि सिंधु नदी जल समझौता से आप क्या समझते हैं चर्चा करें, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे क्या कर लेंगे चर्चा कर लेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि हिमालय पार से तीन नदियां निकलती है भारत में ठीक है ना, जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलुज ठीक है, हिमालय पार से निकलती है और भारत में क्या होती है बहती है, क्या आती है बहती है, और ये जो सिंधु है ब्रह्मपुत्र है इसके कुल लंबाई का मात्र एक तिहाई हमारे भारत में क्या होती है बहती है, तो इन चीजों को याद रखना है। तो लड़किया सब को कोनो डाउट है लड़का सब नहीं ना, तो चलिए इसको क्लियर कर दीजिए ठीक है ना, चलेगा।